नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। बिहार में 65% आरक्षण रद्द। 50% आरक्षण को बढ़ाकर किया गया था 65%। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए एससी एसटी ईबीसी और ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 65% आरक्षण देने के कानून को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस केवीएन चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने 9 नवंबर 2023 को पारित इस कानून को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। इससे पहले हुई सुनवाई में महाधिवक्ता पीके शाही ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि आरक्षण का यह फैसला इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता। इससे पहले हुई सुनवाई में महाधिवक्ता पीके शाही ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि आरक्षण का यह फैसला इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न करने के कारण लिया गया। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने दलील दी कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रद्द करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का फैसला जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपात के आधार पर लिया गया था, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त नुमाइंदगी के आधार पर। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वाहिनी मामले में आरक्षण की सीमा पर 50% का प्रतिबंध लगाया था। अधिवक्ता ने आगे कहा कि जातिगत सर्वेक्षण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले के बाद बिहार सरकार को एससी एसटी ईबीसी और ओबीसी को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए नए सिरे से विचार करना होगा। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी एससी एसटी और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़ाकर 75% तक पहुँच गया था, जिसके बाद यूथ फॉर इक्वेलिटी नाम के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी और उसी अपील पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने वाले इस कानून को रद्द कर दिया। रिजर्वेशन के मामले में गौरव कुमार सहित कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका दायर की थी, जिस पर 11 मार्च को सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस केवीएन चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं पर लंबी सुनवाई की थी, जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला सामने आया है और कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है।